बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र से निकल रहे NH-52 पर बासनी गांव के पास अल सुबह ट्रक और मेटाडोर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत के चलते एक की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हिंडोली पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी में रखवा कर घायलों को उपचार के लिए देवली भिजवाया गया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि बूंदी से जयपुर की ओर जा रहे मक्का से भरे ट्रक की जयपुर से बूंदी की ओर आ रही शराब से भरे मेटाडोर से भिड़ंत हो गई। इस दौरान मेटाडोर चालक अस्तोली निवासी नोजीराम मीणा की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका देवली चिकित्सालय में उपचार जारी है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुबह सर्दी के चलते पड़ रहे कोहरे के चलते 3:30 बजे ट्रक और मेटाडोर के टकरा जाने की बात कह रहे आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों सहित पेज की बावड़ी सरपंच पति बाबूलाल मीणा का कहना है कि घटना के बाद जयपुर से झालावाड़ जा रही मेटाडोर की शराब की पेटियों और ट्रक में भरी मक्का के रोड पर फेल जाने से हाईवे के वन वे हो जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान घटना की सूचना मिलने के बाद हिंडोली थाना पुलिस द्वारा आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस के पहुंचने से पहले आसपास के शराब के शौकीन लोग रोड पर पड़ी शराब की पोटियों को अपने अपने घर ले गए, वहीं दूसरी तरफ रोड पर फैली शराब की पेटियां पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कह रहे हिंडोली थाना प्रभारी आसपास के लोगों द्वारा एक भी शराब की पेटी नहीं ले जाने की बात कह रहे हैं।